हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। लेके आई हूँ मैं कुछ नए ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, तो चलो दिखाते हैं। तो ये हमारे पुराने जो सॉक्स रहते हैं, जो हमें यूज़ में नहीं आते हैं, उसका हम उसको क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। तो इस पुराने सॉक्स का मैं आपको आज बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करके बताऊँगी। देखिए, हमारी ये जो ऐसी महंगी वाली चप्पल या जूते रहती है, जिनको बहुत ही महंगे महंगे लंग्स लगे रहते हैं, ये लंग्स निकले ना, इसीलिए हम इसको ऐसे सॉक्स में रैप करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो हमारे जो चप्पल या जूते की जो शाइनिंग है वो नहीं जाएंगी और वो जैसी की तैसी रहेगी। अगला जो टिप्स है मेरा, ये हमारे जो खाने पीने वाली चीज़ें होती है उस पर जो एक्सपायरी डेट है उसको लेकर ये मेरा दूसरा वाला टिप्स है। क्या होता है कि बार बार हाथ लगाने से इस पर की एक्सपायरी डेट चली जाती है। तो मैं क्या करूँगी, एक बड़ा सा कागज़ लूँगी और उस कागज़ पे मैं इसकी एक्सपायरी डेट लिख दूँगी। और ये एक्सपायरी डेट बहुत ही छोटी छोटी होने के कारण हम कभी कभी ध्यान भी नहीं देते कि ये एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरह से मैं इसको फेविकॉल लगा के ये सामने ही मैं चिपका दूंगी और ये बड़ा होने के कारण हमें जल्दी नज़र आएगा। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगला टिप्स मेरा साबुन से रिलेटेड है। जब भी हम ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तब हम ये इस तरह का बड़ा साबुन लेके जाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, पीलर के सहायता से हम इसे इस तरह से पील कर देंगे। ट्रैवल में बड़ा सोप लेने से क्या होता है, वो गीला भी रह जाता है और हमें वो ठीक भी नहीं लगता। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक खाली डब्बी लेंगे, डब्बी में ये सब भर के हम इसको ट्रैवल के लिए ले जा सकते हैं। देखो, मैं आपको इस्तेमाल करके भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। देखो, है ना एक कमाल की ट्रिक। आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करेगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली जो टिप है मेरी वो है, हमारी जो मेडिसिन की जो बोतल रहती है उस पर जो एक्सपायरी डेट लिखी रहती है उस पर है। ये एक्सपायरी डेट हमेशा हमेशा यूज़ करने से क्या होता है कि ये मिट जाती है। तो ये मिटे ना, इसलिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊँगी। इस पर हमें सेलो टेप लगा देना है। सेलो टेप लगाने से क्या होगा कि एक्सपायरी डेट वैसे की वैसे ही रहेगी। है ना ये बहुत ही यूज़फुल टिप। तो अगली टिप है हमारी ये, बच्चे क्या करते हैं कि पेन लेकर हाथ पे या गाल पे ऐसे लिख देते हैं, तो ये जल्दी मिटता नहीं है। तो इसे क्या करना है, हमें कोई से भी ऑयल लेना है और ऑयल लेने के बाद इसे ज़्यादा कुछ घिसना नहीं पड़ता, सिर्फ ऐसे हाथ फिराने से ही जल्दी से जल्दी ये मिट जाएगा। तो देखो कितनी अच्छी और नई ट्रिक बताई मैंने आपको। ऐसी नए नए ट्रिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।